हेलो दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आज हम बात करने वाले हैं एसी के अंदर अगर लो कूलिंग हो रही है, लेस एयर फ्लो आ रहा है, या फिर एसी ऑन नहीं हो रहा है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो हम आज इन तीन सिम्टम पे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कैसे इन तीनों सिम्टम को रिजॉल्व करेंगे। एयर फ्लो लेस, अगर हवा नहीं आ रही है एसी से या कम एयर फ्लो आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, सबसे पहले एसी को स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद पावर प्लग रिमूव करेंगे। उसके बाद केयरफुली हम एसी के पैनल को ओपन करेंगे। साइड में जो ग्रूव्स बने होते हैं उसको ओपन करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम फिल्टर को बाहर निकालेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद हम उसको पानी से साफ़ करेंगे या फिर वैक्यूम क्लीनर से उसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पानी से इसको क्लीन कर दीजिए। अगर ये फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में आपका एयर फ्लो लेस हो जाता है। दोनों फिल्टरों को आप क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करके उसको सेम उसी ग्रुप्स में लगाइए। खास ध्यान रखिएगा, जब भी जिस ग्रुप से आप निकालेंगे, जिस जगह से, उसी जगह उस फिल्टर को लगाना है। उसके बाद आप पैनल को क्लोज कीजिए। आप देख लीजिए वो प्रॉपर फिट है। उसके बाद पावर प्लग ऑन कीजिए। पावर प्लग ऑन करने के बाद एसी को आप रिमोट से ऑन कीजिए। करते हैं एसी अगर आपका स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा आपका जो पावर सॉकेट है, उसमें सप्लाई आ रही नहीं आ रही है, एमसीवी ऑन कंडीशन में है या नहीं है, सप्लाई ओके है नहीं ओके है, रिमोट काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, और अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो उस केस में मैनुअल स्विच से आप एसी को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एसी में, अगर सबसे पहले चेक करेंगे एसी के पावर सॉकेट में, जहाँ से आप एसी को ऑन करते हैं वहाँ पर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो सबसे पहले पावर स्विच को आप ऑन करेंगे। ऑन करने के कंडीशन में आप स्टेबलाइजर में देखेंगे, वहाँ पर आपका डिस्प्ले, स्टेबलाइजर का डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। डिस्प्ले ऑन होने के बाद एसी पे एक पावर लाइट होती है, वो भी ऑन होनी चाहिए। अगर आपको दोनों पे कोई लाइट नहीं मिलती है तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है आपके स्विच में सप्लाई, उसको कंफर्म करने के लिए आप घर में जो आयरन या हेयर ड्रायर होता है आप उसको प्लग इन करेंगे, उसमें चेक करेंगे पावर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर पावर आ रहा है तो उस केस में फिर आपको क्वालिफाइड टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत है, जिससे वो चेक कर सके। नेक्स्ट, फिर आप एसी में अगर पावर आ रहा है और रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आप रिमोट चेक करेंगे, रिमोट में बैटरी वीक तो नहीं है। रिमोट से चेक करने के बाद अगर रिमोट से ऑन नहीं हो रहा है तो उस केस में आप ओनर मैनुअल में चेक करेंगे। वहाँ पर मैनुअल स्विच के बारे में दिया होता है, मॉडल वाइज अलग अलग होता है। तो एसी को पैनल को प्रॉपर ओपन करेंगे, जैसा वीडियो में शो हो रहा है आप मैनुअल स्विच से इसको ऑन करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है तो रिमोट से उसे कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिमोट के बारे में, रिमोट काम नहीं कर रहा है तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें बैटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, रिमोट एसी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिमोट एसी के साथ सिंक है या नहीं सिंक है, या फिर चाइल्ड लॉक का फंक्शन एक्टिवेट तो नहीं है उसके अंदर। इंडोर पीसीबी का जो डिस्प्ले पीसीबी है वो रिमोट को सेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ कहीं रिमोट डिफेक्टिव तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं रिमोट में, सबसे पहले इस रिमोट चेक करेंगे, रिमोट में डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है पावर बटन ऑन करने। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसके इसमें बैटरी की लोकेशन चेक करेंगे, कहीं बैटरी गलत लोकेशन गलत तरीके से तो नहीं लगी है, तो बैटरी का लोकेशन ठीक करेंगे। अगर बैटरी का लोकेशन ठीक होने के बाद भी रिमोट ऑन नहीं होता है तो उस केस में रिमोट आपको चेंज करने की, बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है। पावर ऑन करेंगे, अगर पावर ऑन करने के बाद भी अगर एसी ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे आपके ओनर मैनुअल में जो रिमोट का फ़ोटो दिया है वो आपके रिमोट से मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, कहीं डिफरेंट तो नहीं है। अगर मैच नहीं करेगा तो उस केस में दिक्कत, या फिर आपका रिमोट RF बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड है तो आपको उसको मैच कराना होगा। मैच कराने के लिए पिक्चर में जो बटन दिया है उसको आप 3 सेकंड तक एसी के सामने प्रेस करके रखेंगे तो आपका रिमोट मैच हो जाएगा। दूसरा, आप रिमोट को कैमरे से भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को ऑन करेंगे और कैमरे को ऑन करेंगे और कैमरे रिमोट के बटन को प्रेस करेंगे तो LED ब्लिंक करना चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका रिमोट ओके है। उसके बाद अगर ये सब होने के बाद भी अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आप देखेंगे एसी के पास में कोई ट्यूबलाइट या फिर कोई IR सोर्स या फिर कोई IR कैमरा तो नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका रिमोट का जो IR इंफ्रारेड रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है पावर हार्मोनिक्स की वजह से, तो आपका रिमोट एसी का रिमोट काम नहीं करता है।
चेक करेंगे एसी में जो आपका रिमोट है उसमें चाइल्ड लॉक फंक्शन एक्टिवेट तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए प्लस और माइनस के बटन को आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा, तो रिमोट में चाइल्ड लॉक का फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा।